आज हम मटन बिरयानी बनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमको हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है और देखिए इसको हम डाल रहे हैं पकाने के लिए। ये हमने इसमें गोश्त डाल दिया। और अब ये अदरक लगी, 1 चम्मच लाल मिर्च और ये धनिया 2 चम्मच, और ये नमक 2 चम्मच डाल दो। और इसको हम अच्छे से डाल रहे हैं। और हमने इसमें तेल डाल लिया और अब इसे अच्छे से हम मिला देंगे। और इसमें हम 4-5 तेज पत्ते डाल देंगे। इसे पकाने के लिए चूल्हे पर चढ़ा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हम मटन बिरयानी बना रहे हैं, तो अब हम इसे दम पर लगाएंगे। ये हमने गोश्त देखिए बना लिया है और इसमें ये मटन हमने डाल लिया इसमें। और अब हम इसमें डालेंगे दूध, देखिए। हमने दूध और अब हम ये बिरयानी मसाला डाल रहे हैं जो हमने खुद घर में बनाया है। इसे और अब हम ये इसमें आलू डाल रहे हैं। अब हम इसमें रोज वाटर डाल रहे हैं। कुछ ड्रॉप डालेंगे। इसमें आलू बुखारे भी पड़ते हैं लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो इसमें हम नहीं डाल रहे। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। और ये हमने इसमें चावल डाल दिया जो कि पहले से हमने पका के रखा था। और ये हम कलर डाल रहे हैं, फूड कलर। ये थोड़ी सी बिरयानी मसाला हम ऊपर से डाल लेंगे। ये कटे हुए थोड़े से टमाटर हम ऊपर से डालेंगे। और ये हमने हमने ब्राउन किए हुए प्याज रखे हैं पहले से और ये हम ऊपर से डाल रहे हैं। और ये धनिया की पत्ती डालना के लिए। और ये हमने पूरी गार्निश कर दी बिरयानी की। और अब हम इसे चूल्हे पर चढ़ाएंगे दम के लिए 20 मिनट के लिए। चूल्हे पर चढ़ा दिया दम पर 20 मिनट के लिए। और अब हम ये ढक्कन लगा देंगे। पर हमने ही रखा है, लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं रखना है। और जब भाप आने लगे तो बंद कर देंगे। और ये 20 मिनट बाद देखिए हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अगर हमको पता करना है पानी सूखा है कि नहीं, तो ये देखिए चम्मच में तेल है, इससे ये अंदाजा हो गया कि बिरयानी बिल्कुल तैयार है। और अगर मेरी ये बिरयानी की रेसिपी आप लोग को पसंद आई तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा।